मानसून की शुरुआत के साथ ही हादसों की भी शुरुआत हो गई है। जवाहर नगर में एक जीर्ण मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। यह हादसा आज सुबह करीब 5 बजे हुआ। जवाहर नगर चारबत्ती चौराहे के पास एक जीर्ण मकान की छत अचानक नीचे आ गिरी, जिससे मकान में रहने वाले मोहन निवासी झाबुआ और उसका परिवार मलबे में दब गया। सुबह सुबह हुए इस हादसे की जानकारी क्षेत्र के रहवासियों को मिली। रहवासियों ने नगर निगम को सूचना देकर मलबा हटाया और मलबे में दबे मोहन, उसकी पत्नी शर्मिली, दो बच्चों को निकाला। सभी को तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां मोहन की पत्नी शर्मिली और दोनों बच्चों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि मोहन ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि यह मकान काफी पुराना होकर जीर्ण था। झाबुआ निवासी मोहन कुछ समय पूर्व यहां किराए से रहने आया था। सभी मृतकों की पोस्टमार्टम के बाद लाश परिजनों को सौंपी गई। प्रशासन ने मृतक परिवार के परिजनों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। यहाँ पे किराए से एक मोहन नाम का ड्राइवर नाम का व्यक्ति रहता था, और ये सुबह 5 बजे की घटना है। सुबह 5 बजे जब मैं सुबह घर से निकला घूमने के लिए, तो यहाँ पे जो इनके पास में जो किराएदार रहते और भी, तो लेडीज से बाहर ही दौड़ी दौड़ी मेरे को बोले, भैया मकान गिर गया, मकान गिर गया। मैंने अंदर जाके मैंने पूछा, इसका मकान है, कौन रहता है यहाँ पे? बोले भैया रहते, गाड़ी चलाते, वो मेरा मित्र है। मैंने अंदर जाके देखा तो मेरा मित्र मोहन और उसकी फैमिली पूरी मकान दबी हुई थी नीचे छत के। फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने सूचना 100 डायल को करी। फिर 10 मिनट के अंदर 100 डायल के जवान और 100 डायल यहाँ पे आ गए, और दो बच्चे और लेडीज़ को सबसे पहले 100 डायल बैठा के ले गई जिला चिकित्सालय। फिर उसके बाद में जेंट्स को भी ले गई। कितने लोग थे यहाँ पे? 4 लोग थे, 2 बच्चे थे और वाइफ थी और उनका पति मोहन। सुरक्षित है? पति, बच्चे और पत्नी की तरह डेट हो गई है। क्या था, आपने मौका मुआयने किया है, क्या देखा आपने, क्या वजह सामने आई, क्या कुछ आपकी सहायता का? ये जवाहर नगर में चारबत्ती चौराहा है, वहाँ पे कुछ पुराने मकान बने हुए हैं। तो आज सुबह उस एक मकान की छत गिरने से 3 लोगों की डेथ हुई और एक घायल हुआ है। अभी हम लोग परीक्षण कर रहे हैं और उनके परिवार को सूचित भी कर दिया है, जो भी होगा नियमानुसार उनको दिया जाएगा। अभी वजह सामने ही, कैसे क्या हादसा हुआ? वो छत पे कल उन लोगों ने एक पूरी ट्राली भर के एक ही जगह पे वो मोटी वाली गिट्टी टाइप की रेती डलवा दी थी, उसके वजन से वो बहुत पुराना मकान होने की वजह से वो गिर गया है। पावर हाउस रोड पर चल रहे सिटी 2 लेन निर्माण के दौरान रास्ता बंद नहीं होने से हादसों की संभावना बढ़ गई थी। निर्माण एजेंसी और प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर बेफिक्र और बेखबर थे। बुधवार को एन टाइम्स ने समाचार प्रसारित कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। गुरुवार को खबर का असर होते ही हरकत में आए प्रशासन और निर्माण एजेंसी ने निर्माण वाले एरिया का रास्ता बंद कर यातायात डाइवर्ट किया। वहीं पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया। रास्ता बंद होने से हादसों और जाम की स्थिति बनने से मुक्ति मिल जाएगी। विद्युत पोल से करंट लगने से बुधवार की सुबह बिरियाखेड़ी मेन रोड पर एक गाय की मौत हो गई थी। मृतक गाय बिरियाखेड़ी निवासी अकबर भाटी की थी। पशुपालक ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से मुआवजे की मांग की है। साथ ही जिनकी लापरवाही से गोवंश की मौत हुई उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। इस मामले में कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान ने बताया, कल गाय की घटना घटी थी, मौत हो गई थी, उसको संबंध में आज हम आए हैं और हम देख रहे हैं विगत 10-15 दिन में लगातार पटरी पार जो गायों की मौत हो रही है, उसमें निश्चित ही हम देख रहे हैं विद्युत मंडल के साथ साथ जो ठेकेदार द्वारा कार्य किया जा रहा है वो पूर्णतः लापरवाही पूर्वक किया जा रहा है, और उसकी लापरवाही का नतीजा है कि आज 3-4 पशुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। आज हमने सख्त रूप से आज उनको मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधीक्षक यंत्री विनय प्रताप सिंह जी से बात करी है और उनको स्पष्ट बताया है कि यदि इसके बाद कोई घटना घटी तो निश्चित ही आप मान के चलिए MPB का घेराव किया जाएगा। पशुपालक अकबर भाटी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, आवेदन देना है, कल हमारी गाय मरण से मर गई है, इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे जो भी विद्युत मंडल के लिए फायदा मिले, मुआवजा मिले और उसकी कार्रवाई हो। भारतीय सैनिकों पर धोखे से वार करना और सीमा पर अकारण तनाव उत्पन्न करने वाले चीन के खिलाफ देश भर में आक्रोश व्याप्त है। इसी आक्रोश के तहत रतलाम में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंक कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। कार्यक्रम संयोजक विनोद यादव के नेतृत्व में स्थानीय दोबत्ती चौराहे पर काले घोड़े के पास हुए पुतला दहन में मौजूद ग्राहक पंचायत के सदस्यों ने चीन के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए।
रतलाम शहर में हर घर हरियाली अभियान का शुभारंभ आज से हुआ। अभियान के अंतर्गत वन विभाग द्वारा वृक्ष मित्र वाहनी वैन बनाई गई है। इस वैन में विभिन्न किस्म के पौधे रहेंगे। यह वैन शहर में भ्रमण कर लोगों को सशुल्क पौधे उपलब्ध कराएगी। इस चलित वाहन द्वारा निर्धारित मार्ग पर सशुल्क पौधे शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही नागरिकों की मांग अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। वाहन में मांग अनुसार पौधे नहीं होने की स्थिति में नागरिक पौधों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिन्हें वन विभाग बाद में उपलब्ध कराएगा। दे रहे हैं क्या उद्देश्य है और किस तरीके से दे रहे हैं? सर, हमारा मेन मकसद क्या है, शहर के अलावा ग्रामीणों में भी अधिक से अधिक मात्रा में पौधे लगवाना एवं उनके भूमि में जाकर देखे चयन करके फलानी प्रजाति के पौधे किस वक्त मिट्टी में कौन से प्रजाति पौधे लगाना है। इस प्रकार हमारा मेन ध्येय नींबू, सागवान, आम और ये सीताफल वगैरह अधिक मात्रा में हमने पौधे लगाए एवं ग्रामीण इलाकों में पौधे सागवान, नींबू, इन अधिक मांग चली और सीताफल के पौधे और हमारे द्वारा कई अधिक मात्रा में सागवान और ये नींबू के तो ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा संख्या में हमने लगवाए। ₹1,000 खर्च कर ₹40,000 की कमाई जिले के एक शिक्षक ने अपने पुत्र के साथ मिलकर की। चौकी अहमद यह शिक्षक है जिले के रावटी के ग्राम नरसिंह नाका निवासी गोविंद सिंह कसावत, जो कि प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हैं। लॉकडाउन के समय स्कूल बंद क्या हुए, शिक्षक पिता ने अपने पुत्र के साथ मिलकर पैतृक जमीन 1.5 हेक्टेयर भूमि पर रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती शुरू की और कुछ ही दिनों में सब्जियों की फसल लहलाने लगी। शिक्षक के पुत्र मनोज ने बीएड किया है, लेकिन रुचि खेती में ही है। सब्जियां आते ही पिता पुत्र जैविक सब्जियां लेकर मंडी में विक्रय करने निकल पड़े। मेहनत का फल भी इन्हें कमाई के ₹40,000 के रूप में मिला और लॉकडाउन के समय का उपयोग भी हो गया। शिक्षक गोविंद सिंह ने बताया, रासायनिक खेती से अच्छी जैविक खेती है, इसे अपनाकर किसानों को मुनाफे की खेती करनी चाहिए। अपनी मेहनत से लहलाई जैविक खेती पर शिक्षक पुत्र मनोज सिंह बताते हैं। सर, हमने खेती करना सबसे पहले तो पापा से थोड़ा बहुत जानकारी लिया, थोड़ा बहुत यूट्यूब देखकर सब कुछ अच्छा कुछा मिला के और स्टार्टिंग किया सर खेती का, अभी कोरोना में स्टार्टिंग में ही। अच्छा, पढ़े लिखे हो एकदम आप और एकदम खेती से जुड़े, कैसा अनुभव रहा आपका? सर, अनुभव अभी तक तो अच्छा रहा है, क्योंकि हमने रासायनिक की जगह आपकी बार जैविक खेती करा। ₹1,000 के खर्चे में लगभग ₹40,000 का मुनाफा हमें प्राप्त हुआ। अगर मिल जाती है तो ठीक है, वरना हम अपनी खेती में हाथ आजमाएंगे। सर, शिक्षक के जैविक खेती देखने अब किसान और खेती में रुचि रखने वाले भी पहुंचने लगे हैं। खेती के गुण सीख रहे कहते हैं, यह तय है कि समय के साथ खेती के तरीके भी तेजी से बदल रहे हैं। जिले के प्रगतिशील उन्नत कृषक जैविक खेती को अपनाकर देश प्रदेश के मानचित्र पर जिले का नाम अंकित करेंगे। माना है? हाँ। ये खेती कैसे सीखी आपने और क्या? सर, मैंने इस खेती को YouTube पे सर्च किया अधिकतर। हाँ। सब अच्छे अच्छे जितने भी वीडियो थे सभी देखे। हाँ। और आखिर में मुझे ये अपने राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के महानिदेशक डॉक्टर किशन चंद्रा जी का वीडियो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने रिजल्ट भी बताए YouTube पर ही, ये सब देख करके ने उनको जैसे बताते गए मैं उनको फॉलो करता गया। अच्छा, अभी तक कितना मुनाफा ले लिया इससे और कितना खर्चा हुआ आपका? मैंने सर उनके आइडिया के बताए मुनाफे, मतलब खेती करी मैंने तो मात्र यूँ समझो आप ₹1,000-1,200 के समथिंग मेरे को केवल गुड़ का खर्चा, जो गुड़ की आवश्यकता होती है वो गुड़ डालने के लिए पैसा चाहिए, बाकी ना तो कोई पेस्टिसाइड ना कोई रासायनिक दवाई किसी का उपयोग नहीं करा और उस 1,000 का खर्चा करके लगभग ₹40,000 के समथिंग अर्निंग करी। कौन कौन सी फसल बोई थी आपने? मैंने सर उस टाइम अथवा तो जो अपने को आय देने वाली फसल तो ककड़ी थी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपन इसको आगे बढ़ाए और सभी प्रकार की सब्जियों का उपयोग इस पर करें। जैसे करेला लगाया मैंने, उसी टाइम करेले के बीज लगाए, ये जो अभी पीछे फसल खड़ी आप देख रहे हो और फलिंग फल आना चालू हुए इनमें, बैंगन लगाए कुछ ट्रायल के, गिलकी लगाई, तरोई लगाई, आल लगाई।